उत्तर प्रदेश के बागपत में सम्राट पृथ्वीराज चौहान को गुर्जर लिखे जाने पर राजपूत समाज और गुर्जर समाज में विवाद छिड़ गया है। पहले गुर्जर समाज ने गांव के बाहर बोर्ड लगाते हुए पृथ्वीराज चौहान को गुर्जर सम्राट लिखा, जिसके बाद राजपूत समाज के लोग बागपत पहुंचे और एडीएम से मामले की शिकायत की। एडीएम ने आज गुर्जर समाज के लोगों को बुलाकर समझाया बुझाया, जिसके बाद गुर्जर समाज के लोगों ने गांव के बाहर से बोर्ड हटाने की बात कही। एडीएम ने बताया कि एक पक्ष को समझाकर गांव के बाहर से बोर्ड हटाने के लिए कहा गया है। वहीं गुर्जर समाज के अध्यक्ष हरीश गुर्जर ने कहा है कि आपत्ति है तो होर्डिंग हटा लेंगे, लेकिन पृथ्वी राज चौहान गुर्जर सम्राट थे, जिसका उल्लेख इतिहास में भी है और उनके पास इसका पुख्ता प्रमाण भी है। ये पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के पावला गांव में से जुड़ा हुआ है, जहां गांव के बाहर सम्राट पृथ्वी चौहान को गुर्जर सम्राट बताकर एक बोर्ड लगाया गया, जिसकी फोटो वायरल होने के बाद बागपत राजपूत समाज के लोग एडीएम से मिले और पृथ्वीराज चौहान को गुर्जर लिखे जाने पर आपत्ति जताई। मामला उलझता देख जिला प्रशासन ने दोनों पक्षों के लोगों को बुलाकर बात की और गुर्जर समाज के लोगों से बोर्ड हटाने की अपील की।